केंद्र सरकार के खिलाफ कोरबा के गेवरा खदान के बाहर बीएमएस को छोड़ अन्य सभी श्रमिक संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए एक दिवसीय काला दिवस मनाया। सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ किए गए इस प्रदर्शन का मजदूरों का भी साथ मिला। कोयला जगत में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। एचएमएस, बीएमएस, एटक, इंटक और सीटू ने राष्ट्रव्यापी काला दिवस मनाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को गेवरा खदान के बाहर पांचों प्रमुख संगठनों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मजदूर, किसान और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। खदान के मुख्य द्वार पर खड़े होकर श्रमिक नेता काला झंडा लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। श्रमिक नेता चाहते हैं कि कोयला खदानों का निजीकरण बंद हो, श्रम कानून में संशोधन नहीं होना चाहिए, एमडीओ मॉडल बंद होना चाहिए, रेवेन्यू मॉडल समाप्त करने को लेकर उनके द्वारा एक दिवसीय काला दिवस मनाया गया। श्रमिक संगठनों के विरोध का मजदूरों का भी समर्थन मिला है। पूरे कोयला उद्योग में काला दिवस मना रहे हैं संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर। हमारा मांग है कि भारत सरकार के द्वारा वर्तमान समय में जो भी केंद्र विरोधी, जनता विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी जो नीतियां अपनाई जा रही है, जैसे इस देश की खदानों को बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों बेचने के लिए तरह तरह का साजिश किया जा रहा है और उसके लिए कूट रचना किया जा रहा है, चोर के दरवाजा तैयार किया जा रहा है, जैसे रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के नाम पर कोयला खदानों को बेचकर ये अपने चहेते पूंजीपतियों के हाथों सौंप देने के ये साजिश है। हमें डर है, कोयला उद्योग के ऊपर आज संकट आया है। ये सरकार धीरे धीरे करके कोयला उद्योग को तबाह कर देना चाहता है, इसलिए हम कोयला उद्योग के तमाम मजदूरों ने पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर आज ये काला दिवस मनाने का फैसला किया। ये हमारा सांकेतिक है, आने वाले दिनों में हम विशाल रूप से बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं।